हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। अभी जा रहे हैं हम लोग पार्सल लाने, तो चलते हैं मेरे साथ पार्सल लाने। चलिए। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी पार्सल लाने रोड में, क्योंकि घर तक ला ही नहीं देता ये फ्लिपकार्ट वाला पार्सल। जो भी पार्सल जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम लोग, घर तक नहीं ला देते, हम लोग को जाना पड़ता है चल के रोड तक। तो चलिए चलते हैं, इतना गर्मी में जाना पड़ रहा है हम लोग को। रोड ले जाते हैं और लेके आते हैं, से लेके आएंगे घर, फिर पार्सल देखेंगे कैसा आया है। फिर मैं जा रही हूँ और मेरे साथ दीदी भी जा रही है, तो चलते हैं। बहुत गर्मी है आज, छाता लेके जाना पड़ रहा है हम लोग को। छाता पकड़ी है मेरी दीदी, तो चलिए चलते हैं। बाबा जा रही है और वो साइकिल में, मेरा पापा जा रहा है, मेरा बाबा जा रहा है, मेरा पापा कुछ काम है तो वो बाहर जा रहे हैं। हम लोग ने पार्सल ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हाँ, अभी हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई पलटन लोग के साथ। फ्रेंड्स, आज बहुत गर्मी है तो आज खरीदने जा रही हूँ मैं रसना और जलजीरा। रसना और जलजीरा खरीदने जा रही हूँ, जिसका शरबत बना के पी जाऊंगी ठंडे पानी से, बहुत मजा आने वाला है। तो चलती हूँ खरीदने। जो हम पास में, घर के पास में एक दुकान है, तो वहीं से लेने जा रही हूँ, लाऊंगी फिर बना के पी जाऊंगी। रसना है, रसना रसना भी दे पास को, दो क्या ले दो को दे, मजा आए तो कुछ खाना कुछ खाना खोली। सो फ्रेंड्स, मैं आप दुकान से आ गई हूँ, मैं लेके आई हूँ ये रसना जो पड़ता है 2 रुपया का, और ये है जलजीरा जो पड़ता है बस 1 रुपया का। अब ये दोनों मिला के मैं बनाने वाली हूँ जूस, जो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है हम लोग का जूस। तो फ्रेंड्स, हम लोग का रसना बन चुका है, अब बारी है इसे बांटने का। काला दिख रहा है, काला बन कैसे बनाया है? ऐसे बनाया है। अच्छा, मां कैसे बना है? एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वर्क पे, मैं जा रही हूँ और मौसी जा रही है साथ में। मौसी हाय। सो 6:30 तो जा रहे हैं हम लोग। गाइस, हम लोग जाने वाले थे शाम के 5 बजे ही, पर उस टाइम बहुत ही गर्मी थी, आज बहुत तेज गर्मी था भाई। हम लोग 6:30 आसपास निकले हैं, आप देख सकते हैं बहुत अंधकार भी हो चुका है और वेदर भी मतलब ठंडा ठंडा हो गया है, तो अभी अच्छे लग रहे हैं करने के लिए। इवनिंग वॉक इस टाइम परफेक्ट है, पर थोड़ा अंधकार हो गया है, पर कोई बात नहीं, रास्ते में बहुत सारे लोग हैं तो ठीक ही लग रहा है। मौसी जा रही है बहुत ही फास्ट, मैं हो गई पीछे, ब्लॉक बनाने के चक्कर में मैं पीछे हो गई हूँ। मौसी जा रही है बहुत फास्ट फास्ट, देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी आ जा रही है, पर लाइट थोड़ा कम है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। उधर से गाड़ी आ रही है, बहुत बड़ा गाड़ी है। हम लोग पहुंच गए हैं अभी रोड के पास में, जस्ट उधर ही रोड है, वहां से दिख रहा है लाइट वो जो चमक रहे, वहां रोड है। हम लोग यहीं से रिटर्न करके वापस जाने वाले हैं, क्योंकि
रात भी हो गया है, अब चलने मन नहीं कर रहा है। मौसी हाय। हम लोग यहीं से रिटर्न जाने वाले हैं क्योंकि बहुत अंधकार हो गया है और उधर लाइट भी नहीं है, देख सकते हैं वो जो लाइट चल रहा है वो रोड है। अब हम लोग रोड से इस पर थोड़ी ही दूर पे है और यहीं से वापस जाएंगे हम लोग। पहले हम लोग अब जा रहे हैं, पर जो भी बोलिए रात के टाइम में गए मतलब बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मस्त, हाँ मस्त लग जाता है क्योंकि रात है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब तरफ बस अंधकार अंधकार, बस मैं ही चमक रही हूँ वो भी कैमरे के लाइट से। यही हम लोग का फैक्ट्री, टी फैक्ट्री। बहुत गर्मी लग रही है, चलते चलते बहुत गर्मी लग गया भाई, जोड़ों की गर्मी लग रही है, कब घर पहुँचेंगे। ये है हम लोग का टी फैक्ट्री, हम लोग का गाँव का, अंधकार है तो अच्छे से दिख नहीं रहे। हम लोग घर जा रहे हैं, अभी दुकान घुसते हुए जाएंगे, घर के लिए कुछ सामान लेने हैं तो वो लेते हुए जाएंगे हम लोग। सो फाइनली पहुंच चुके हैं घर, अब हम लोग थोड़े फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। डिनर बन रहा है, ये रोटी रूमी दीदी पका रही है, ये भी बहुत सारा पक चुका है, ये देखिए ये है हम लोग का चूल्हा जो अभी गंदा हो गया है पकाते पकाते। गया था लड़का, नो रिस्पॉन्स। रे बाबा रे बाबा, ये हेयर कट कहाँ से किया, नो रिस्पॉन्स है रे बाबा, मुंह खिला के बैठा है। पैसा भी मिल रहा है वो, पैसा जो